परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन। जैसे एखादा शेर कुछ कदम चल के फिर ये देखता है कि हम कहाँ तक पहुंचे, उसको कहा जाता है सिंहावलोकन। उसी प्रकार से हम यहाँ पे सिंहावलोकन करने वाले हैं कि 1000 साल के दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पे घट चुकी है। 1000 वर्ष का समय कुछ छोटा नहीं होता है। इस वर्षों के दौरान कई सारी घटनाएं हो चुकी है, कई सारे राज्य निर्माण हो चुके हैं, कई सारे बिगड़ गए हैं। प्राचीन काल लगभग हम हर्षवर्धन राजा के समय तक देखते हैं। हर्षवर्धन राजा के बाद अंग्रेज इस देश में आ गए या यूरोपियन इस देश में आ गए, तब तक का ये जो कार्यकाल है उसको हम कहते हैं मध्यकाल। इस मध्यकाल में कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन हो चुके हैं, हम यहाँ पे प्रयास करेंगे कि उस सभी की पड़ताल करेंगे। इनमें मुख्य तौर पर यदि हम देखेंगे तो 1000 वर्षों में लगभग 700 से लेकर 1750 यानी हर्षवर्धन के कार्यकाल के बाद से अंग्रेज इस देश में सबसे पहली जो लड़ाई उन्होंने जीती थी, प्लासी की लड़ाई सन 1757। इस दौरान लगभग ये जो 1000 वर्ष का समय है उनमें क्या क्या मुख्य तौर पर परिवर्तन हो चुके हैं वो हम देखेंगे। उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि भूगोल वेत्ता एक अल इद्रसी नामक इस देश में आ चुका था और उसने सबसे पहला मानचित्र बनाया था। वो मानचित्र किस प्रकार से था, क्या उसकी वैशिष्ट्य थे, विशेषताएं थी, वो हम देखेंगे। मध्यकाल के इतिहास के स्रोतों का हम इस प्रकरण के तौर पर अध्ययन करेंगे क्योंकि इतिहास इतिहास के स्रोतों के अलावा कुछ भी नहीं है। यदि हमें सही इतिहास की जानकारी देखनी है, लिखनी है, समझनी है तो उनके लिए, हमारे लिए मुख्य तौर पर अधिकृत स्रोत होने चाहिए। ऐसे कौन कौन से स्रोत यहाँ पे उपलब्ध हमारे लिए हो जाते हैं मध्यकाल का अध्ययन करने के लिए, हम उसकी भी जांच पड़ताल करने वाले हैं। तकनीकी इस दौरान लगभग 1000 वर्षों में तकनीकी, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जो जो भी परिवर्तन यहाँ पे हो चुके हैं प्रयास करेंगे कि उनकी भी हम जानकारी देखेंगे। कुछ नए नए शब्द उभर कर सामने आ चुके हैं, उनके क्या अर्थ थे। कई सारे अर्थ जो आज हम इस्तेमाल करते हैं शायद उस वक्त उस प्रकार का अर्थ उनका नहीं था। उनके साथ साथ अभिलेखागार क्या है या फिर पंडुलिपि क्या है, हम इनके बारे में भी जानकारी देखेंगे। भूगोल वेत्ता अल इद्रसी सन 1154 में भारत में आ चुका था और भारत का उसने लगभग यानी 12वीं शताब्दी है, 12वीं शताब्दी में सबसे पहला भारत का मानचित्र उसने बनाया। अब यदि हम देखेंगे तो ये भारत का मानचित्र अल इद्रसी ने बनाया हुआ है। ताज्जुब होगा कि क्या ये भारत है इस प्रकार से, ऊपर ऐसा कुछ तो भी, नीचे इस प्रकार से कुछ तो भी। लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि लगभग 800-900 साल पहले उसको दिशाओं का ज्ञान शायद थोड़ा सा कम होगा ऐसा हम मान सकते हैं। या फिर दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात कि आज जिस प्रकार से मानचित्र के जो संकेत है उन संकेतों के अनुसार ये मानचित्र नहीं हो सकता है, लेकिन उसने ये भारत का ही मानचित्र निकाला। यदि हम उसी को उल्टा करेंगे तो इस प्रकार से हम भारत को देख सकते हैं। नीचे का जो भाग है ये श्रीलंका उसने दिखाया है, और पूरी तौर पर नहीं लेकिन बहुत सारी उसने जो स्थान एवं ठिकान वहां पे दिखाए हैं वो सही तौर पर है। दक्षिण भारत का ये नक्शा है और पूरा उत्तर भारत यहाँ पे उसने दिखाया है। यदि आप और उसकी कुछ विशेषता देखेंगे तो इसमें
उसने एक महत्वपूर्ण शहर दिखाया है, कनौज। क्यों? क्योंकि कनौज हर्षवर्धन की राजधानी थी, और तब तक ये कनौज भारत के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण शहर था। और इसके कारण इस महत्वपूर्ण शहर का वर्णन 12वीं शताब्दी तक भी कम नहीं था। इसके कारण उसने वो दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पे दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात, विशेष तौर पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे गंगा नदी दिखाई है। इस प्रकार से उसने यहाँ पे गंगा नदी इस नक्शे में दिखाई है। इसके बाद यानी लगभग 500-600 साल के बाद और एक भारत का नक्शा फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता उसने निकाला था, गिलोम द लिस्ले। इसने 1720 में यह नक्शा इस प्रकार से, आप यदि इस नक्शे को देखेंगे तो आज का भारत और उस वक्त का भारत काफी हमें समानता दिखाई देती है। हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर देखेंगे तो पूरी के पूरी समानता नहीं है, लेकिन उस वक्त उसके पास जो जो भी साधन उपलब्ध थे उन साधनों के साथ उसने मानचित्र निकाला है। अब यहाँ पे पहले और दूसरे, इन विशेष तौर पर पहले यदि चित्र में अभी हम देखेंगे, हालांकि उनके प्रश्न भी के भी मैंने जिक्र किया था, आर दे आर डिटेल्ड ऑन दोज ऑन द कोस्ट, फॉलो द कोर्स ऑफ द रिवर गंगा एंड सी हाउ इट शोज। ये गंगा नदी वहां पे किस प्रकार से दर्शाई है मानचित्र में। व्हाई डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस इन द लेवल ऑफ डिटेल एंड एक्यूरेसी बिटवीन द कोस्टल एंड इनलैंड एरियाज इन दिस मैप। ये दूसरे भी मानचित्र में देखेंगे तो इसमें एक दूसरे और पहले में भी यदि हम देखेंगे तो यहां पे मध्य भारत के कुछ ही ठिकान उन्होंने दिखाए हैं, सभी के सभी ठिकान नहीं दिखाए हैं। क्या कारण है उसके? तो उसका यही कारण है कि उस वक्त उनके पास जो भी उपलब्ध जानकारी थी उन सभी क्षेत्रों के बारे में या स्थानों के बारे में जानकारी पूरी तौर पर उपलब्ध नहीं थी। कुछ ही शहर यहाँ पे उसने दिखाए हैं। इतिहास का जब अध्ययन करते हैं तो काफी सारे शब्द हम इस दौरान ले चुके हैं। अब कुछ शब्दों का यदि हम इतिहास देखेंगे तो ऐसे ही कुछ शब्द है, जैसे कि अब ये एक शब्द है हिंदुस्तान। ये भारत में सबसे पहले मिन्हाज ए सिराज एक इतिहासकार था और उसने ये सबसे पहले इस्तेमाल किया है। हालांकि उससे पहले ये शब्द हिंदुस्तान के तौर पर नहीं, लेकिन ये शब्द हमारे भूमि के बारे में काफी समय पहले से भी ये इस्तेमाल किया जाता है। सिंधु नदी से उत्पन्न ये शब्द हिंदू और उसके कारण ये हिंदुस्तान, लेकिन स्थान इस प्रकार से, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये शब्द सबसे पहले मीनाज सिराज इस्तेमाल किया था। उसका जो मुख्य अर्थ था हिंदुस्तान, इस शब्द का अर्थ दिल्ली के नजदीक का भाग, दिल्ली आगरा मथुरा उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, कन्नौज, ये जो पूरा भाग मिलकर केवल वही भाग को उसने हिंदुस्तान ये शब्द दे दिया था। अब यदि हम भारत, आज का भारत और उस वक्त का भारत देखेंगे तो यहाँ पे ये पंजाब और हरियाणा यहाँ का जो कुछ भाग है उसी के लिए शब्द इस्तेमाल किया है। और एक शब्द उसी प्रकार से है, ये
कि विदेशी, ये शब्द भी इसी दौरान इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन विदेशी इसका मतलब क्या है, विदेशी इसका अर्थ क्या है? तो विदेशी ये शब्द उन लोगों के इस्तेमाल किया जाता था जो गांव के बाहर है। आज जिस प्रकार से हम शब्द इस्तेमाल करते हैं कि एक देश से दूसरा या दूसरे देश का, उस वक्त इस प्रकार का अर्थ नहीं था। उस वक्त ये अर्थ था कि एक गांव से यदि दूसरे गांव में भी चला जाता तो अब हम उनको विदेशी कहते थे। मान लीजिए कि नरसी का व्यक्ति या नायगांव का व्यक्ति यदि शंकर नगर में आ जाता है तब भी वो विदेशी कहलाएगा। गांव बदल गया तो वहां पे देश बदल गया। इस प्रकार की यानी देश ये शब्द वहां पे गांव के लिए था, न कि आज जिस प्रकार से हम पूरे देश यानी एक भारत या हमारा देश इस मान्यता से लेते हैं, उस प्रकार का ये यहां पे अर्थ नहीं था। मध्यकाल में कई सारे इतिहास के स्रोत हमें उपलब्ध हो जाते हैं। इनमें यदि हम अध्ययन करेंगे तो कई सारे स्थापत्यों का निर्माण इस दौरान हो चुका है, कई सारे सिक्के हमें मिल जाते हैं। इस दौरान की एक महत्वपूर्ण बात हम देखेंगे तो लिखित सामग्री में काफी सारा बदलाव और उनकी संख्या काफी सारी मात्रा में बढ़ चुकी है। इसका कारण यह है कि इस दौरान हमें कागज पता चल गया, उससे पहले कागज नहीं था। और जैसे कागज का महत्व हमें पता चला है या फिर कागज की खोज हो गई तो लिखित सामग्री में काफी सारा बदलाव या काफी सारी वृद्धि इस दौरान हो चुकी है। और इन सभी को रखने के लिए अभिलेखागार की स्थापना की गई। इस दौरान की और एक महत्वपूर्ण बात देखेंगे कि इस दौरान नकल नवीसियों का भी महत्व बढ़ गया। नकल नवीस इसका मतलब कि जो पांडुलिपि होती थी वो लिखी जाती थी, अब एक ही कॉपी के कई सारे, जैसे कि आप नोटबुक एक विद्यार्थी की लेते हो और फिर उसकी दूसरा निकाल कर उसकी कॉपी बना लेता है, उसको नकल करता है, उसी प्रकार से एक आधी रचना निर्माण हो चुकी, उस रचना को फिर और एक जगह पे लिख कर रखना, अब उसके लिए काफी सारी समस्या भी है। सबसे पहले उस दौरान लिखने के उतने एक ज्यादा लिखा पढ़ी वगैरह नहीं होती थी तो लिखने वाले लोग काफी सारे कम होते थे, लिखने वाले लोगों की संख्या ही कम थी तो उसमें हस्ताक्षर अच्छा चाहिए, व्याकरण का ज्ञान चाहिए, क्योंकि लिखने के लिए काफी सारे आवश्यकताएं होती है। लेकिन इसके साथ साथ, इन समस्याओं के साथ साथ और एक सबसे महत्वपूर्ण समस्या ये होती है कि नकल नवीसियों को जो लिख रहे हैं उनका अर्थ भी समझ में आना चाहिए। यदि वो पता नहीं चलता है तब भी बड़ी समस्या निर्माण हो जाती है। अब एक समस्या यह भी है कि एक जब हम इतिहास के तौर पर देखते हैं तो एक किताब लिख दी और फिर उसकी कॉपी और एक बना दी, नकल तैयार कर दी, और 100 साल के बाद या 200 साल के बाद कौन सी असली किताब है ये हमें समझने की एक बड़ी दिक्कत है। जैसे कि जियाउद्दीन बर्मी का एक उदाहरण लिया जाता है कि जियाउद्दीन बर्मी अपनी एक किताब लिखी और उस किताब का उसने मूल्यांकन किया, फिर संशोधन किया। उसमें एक अदा कवि या लेखक जब कुछ लिखता है तो उसमें काफी बार उसमें संशोधन करने की आदत आवश्यकता होती है। यदि वो संभव काफी सारी उसको इच्छा भी हो सकती है या फिर उसके दिमाग में अलग कुछ विषय हो सकता है, उसको भी वो उसमें डालने की इच्छा हो सकती है, जो जो भी कारण है। अब इसी प्रकार से वो खुद लेखक या कवि भी कर सकता है या फिर जो लिखने वाला है वो भी कर सकता है।
कई सारी समस्याएं। आज हमारे पास तुलसी रामायण की जो मूल कॉपी है, तुलसी रामायण की कई सारी विविध आवृत्ति हमें मिल जाती है, और उसमें से हम ये समझ पाना काफी मुश्किल हो जाता है कि कौन सी असली कॉपी है। यानी 2 या 5 साल के बाद यदि दूसरी लिखी गई है, तो कारण महाराज के काफी सारे अभंग लिखे गए हैं, और ये अभंग हमें 17वीं शताब्दी के हैं या 18वीं शताब्दी के हैं, पहले और शताब्दी से तो ठीक है, लेकिन 2-4 साल का यदि अंतर है तब वो समझना काफी मुश्किल है। उनमें से मूल प्रत कौन सी है, कौन सी प्रत को लेखक ज्यादा महत्व दे रहा है या देना चाहता है, ये हमारे लिए समझने की काफी सारी एक मुश्किल हमारे सामने हो सकती है। इस दौरान हम और कुछ महत्वपूर्ण बात करेंगे, ये नए सामाजिक और राजनीतिक समूह इस दौरान बन चुके थे, तकनीकी में बदलाव आ चुका था। जो भी तकनीक पहले इस्तेमाल की जाती थी वो तकनीक अब बदल गई। मध्यकाल काल बदलने का अंतर ही यही है कि आपके पास जो तकनीक है उसमें बदलाव आ जाता है, आप जो जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, नया युग इसमें आप आवश्यकता ही यही है, या फिर ये हम कह सकते हैं कि उसकी विशेषता ही यही होती है कि उसमें तकनीकी में बदलाव होता है। जैसे यहाँ पे हमारी किताब में लिखा गया है कि सन 700 से लेकर 1750 के बीच 1000 वर्षों का इतिहास इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस रूप में इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हो चुके हैं। ये परिवर्तन का काल है। इस काल में अलग अलग समय पर अलग अलग नई नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते गए, जैसे कि सिंचाई के राहट, कताई के चरखे और युद्धों के अग्नयास्त्र बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप के नई तरह का खान पान भी आया। इस दौरान की विशेषता है कि आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी ये इस दौरान उभर कर सामने आ चुका है। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियां और फसल उन लोगों के साथ आए जो नए विचार लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है, और इसके लिए हम इसको कह सकते हैं कि परिवर्तन का काल। इसमें आर्थिक तौर पर परिवर्तन आ चुका है, राजनीतिक तौर पर परिवर्तन आ चुका है, सामाजिक तौर पर परिवर्तन आ चुका है, सांस्कृतिक तौर पर परिवर्तन आ चुका है, लोगों के व्यवसाय बदल चुके हैं, राजनीतिक सत्ताएं बदल चुकी है, सामाजिक समाज का निर्माण इस दौरान बदल चुका है, संस्कृतियां बदल चुकी है, और इसके कारण हम इसको परिवर्तन का काल भी कह सकते हैं। इस काल के लिए और एक शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है गतिशील। मध्यकाल प्राचीन काल की तुलना में गतिशील काल था। प्राचीन काल में यात्रा के कुछ ही साधन उपलब्ध थे, मुख्य रूप से पैदल यात्राएं होती थी। हम इस दौरान देख चुके हैं कि कई सारे यात्रालु इस देश में आ चुके थे, विशेष तौर पर चीन यात्रा के रूप इस दौरान भारत में आ चुके थे। फाइयान यांगसे, ये जो जो भी थे, लेकिन उनकी संख्या काफी मर्यादित रूप में है। प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल गतिशील काल है। यहां पे यात्राओं के लिए लोग घूमते थे एक जगह से दूसरी जगह, धार्मिक यात्राएं हो सकती है या फिर अन्य भी कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन और एक महत्वपूर्ण बात हम देख सकते हैं कि अपार संपदा की तलाश इस दौरान हो चुकी है। यदि हम पूरी दुनिया के ऊपर नजर डालेंगे तो दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के लोग विभिन्न क्षेत्रों में इस दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए हैं। पुर्तगाली लोग भारत में आ चुके हैं, डच भारत में आ चुके हैं, फ्रांसीसी आ चुके हैं, अंग्रेजी आ चुके हैं, यूरोप के कई सारे लोग इस दौरान, और केवल भारत में नहीं बल्कि वो इस दौरान अमेरिका खंड की भी खोज की है।
अफ्रीका खंड में गए थे। कुछ देशों के साथ इससे पहले से व्यापार चलता रहा है, लेकिन कई सारी अपार संपदा दुनिया के विभिन्न भागों में थी और उसकी तलाश करने के लिए लोग निकल पड़े थे। उनके पास जो जो भी साधन इस दौरान थे, उन साधनों के साथ वो निकल पड़े थे और इसके कारण यात्राएं बड़ी मात्रा में हो चुकी है। और यही कारण है कि ये समय, ये काल, ये कार्यकाल हम गतिशीलता का कार्यकाल कह सकते हैं। लोग अपना भाग्य निर्माण करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह निकल पड़े हैं। आप एक ही जगह पर रहेंगे तो अपना भाग्य नहीं बदल सकते हैं। लेकिन यदि आप अपना, यदि मान लीजिए कि छोटा सा गांव है, हालांकि वहां पे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए मर्यादा है। व्यक्ति का विकास तभी हो सकता है जब अपना गांव छोड़ दे, और गांव छोड़कर फिर अन्य स्थान पर जाए जहां पे आपके भाग्य का निर्माण हो सकता है। और ये मध्यकाल में विशेष तौर पर ऐसे कई सारे लोग हम देख सकते हैं। वास्को द गामा उन्हीं में से एक है। यदि वो अपने घर से निकलता ही नहीं तो आज हम उसके नाम तक नहीं जानते। अमेरिको कोलंबस उन्हीं में से एक है कि जिसने अपना घर बार छोड़कर अमेरिका की खोज करने के लिए निकल पड़ा था। तो अपना भाग्य निर्माण करने के लिए सभी के सभी लोग, कई सारे लोग निकल पड़ते, और इसके कारण गतिशीलता इस समय का एक महत्वपूर्ण भाग या बिंदु हम कह सकते हैं। इनमें और एक महत्वपूर्ण बात थी, भारत में भी कई सारे लोग लड़ाई के लिए निकल पड़ते थे। एक जगह पे दूसरी जगह, दूसरी जगह पे अपार संपदा है और वहां की संपदा लेने के लिए या लूटने के लिए या छीनने के लिए ये लोग चले जाते थे। ये लोग अपने आप को राजपूत कहते थे। राजपूत इसका मतलब राजा का पुत्र। इनमें केवल राजा नहीं बल्कि सैनिक, सिपाही, राजा के साथ साथ उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, ये सभी अपने आप को राजपूत कहलाते थे। और ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पे युद्ध के लिए चले जाते थे। मध्यकाल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यदि हम देखेंगे तो इस दौरान जनसंख्या, हालांकि जनसंख्या में बढ़ोतरी उतनी मात्रा में नहीं हुई थी, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पे जब लोग जा रहे थे तो रहने के लिए जगह चाहिए, और इसके कारण पर्यावास निर्माण होते गए। नए नए पर्यावास इस दौरान निर्माण हो रहे थे और इसके लिए जंगलों की कटाई करना बहुत आवश्यक था। इस दौरान जंगलों की कटाई बड़ी मात्रा में हो चुकी है। इस दौरान नए नए सामाजिक वर्ग निर्माण हो चुके हैं, समूह निर्माण हो चुके हैं। अब एक जगह से दूसरी जगह पे गए, वहां के जंगलों की जो भूमि थी उसको साफ कर दी, वहां पे खेती करना आरंभ कर दिया, दो लोग, चार लोग, पांच लोग। फिर धीरे धीरे वहां पे अन्य प्रकार के लोग आ जाते थे, और फिर धीरे धीरे वहां पे अलग अलग प्रकार के लोग इकट्ठा आकर एक गांव बन जाता था, समाज तैयार हो जाता था। समाज में विभिन्न प्रकार के काम है, और इसके कारण, इन कामों के कारण वहां पे सामाजिक अंतर भी आ जाता था। और इन सामाजिक अंतरों में जाति प्रथा का निर्माण इस दौरान हो चुका है। अब जब जाति निर्माण हो चुकी तो जातियों को नियंत्रित करने के लिए जाति की पंचायत का भी निर्माण इस दौरान हो चुका। तो कई सारे सामाजिक बदलाव हम इस दौरान, अब हम इस प्रकरण में क्या क्या देखे हैं, अब तक जो देखे हैं उनमें से नई और पुरानी शक्ति
शब्दावली देखी, इतिहासकार एवं उनके स्रोत उनके बारे में देखे, जानकारी देखी है, और अब इसके बाद हम क्षेत्र और साम्राज्य अगले प्रकरण में देखेंगे।